नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बलगले। सुलगते सिलगेर पर छिड़े सियासी संग्राम की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई कि दंतेवाड़ा का नहाड़ी नए विवाद के साथ सुर्खियों में आ गया। यहां भी ग्रामीण सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की मांग उठाकर पुलिस कैंप का विरोध कर रहे हैं। जहां एक तरफ सिलगेर से सीख लेकर सड़क पर उतरे ग्रामीण आर पार की लड़ाई पर उतर आए हैं, तो वहीं सड़क काट जंग का ऐलान भी कर चुके। ऐसे में सवाल उठता है कि विकास को बाधित कर विकास की मांग क्या दबाव की राजनीति की तरफ इशारा नहीं करती? क्या आदिवासियों की आड़ में शुरू हुआ ये विरोध नक्सली साजिश तो नहीं? क्योंकि नहाड़ी दो कुख्यात नक्सलियों का ठिकाना रहा है। सवाल ये भी उठता है कि समय रहते इस मामले को भी नहीं संभाला गया तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब जरा पुलिसिया पहलू समझ लेते हैं। पुलिस का कहना क्या है कि ये नक्सलियों का दबाव क्या है, तो फिर आपका भरोसा स्थानीय लोगों पर इतना कमजोर क्यों कि कोई भी बहका ले? आपके सिविक एक्शन प्रोग्राम महज दिखावा थे क्या? और दर्शक याद रखें कि जम्मू के सीआरपीएफ जवान को नक्सलियों तक पहुंचाने, नक्सलियों से छुड़ाने और स्थानीय लोगों की उसमें भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। विरोध की ये डोर कहीं टूटते भरोसे की तो नहीं है? इन्हीं सवालों पर आज हम कह रखे हैं छत्तीसगढ़ मांगे जवाब। चर्चा शुरू करेंगे, उससे पहले जरा सियासत समझ लीजिए। बहुत सीधी सीधी बात है कि नक्सली वहाँ विकास नहीं चाहते, हम लोग विकास करना चाहते हैं। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट किया है, कितने स्कूल बंद थे 15 साल के उसको चालू थे, अंदर तक आंगनबाड़ी, राशन सामग्री, स्वास्थ्य सेवा सब चीज पहुंचाते जा रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि फोर्स हटा दो, कैंप मत रखो और सड़क काम करो, तो सड़क कैसे बनेगा? और सड़क नहीं बनेगा तो राशन सामग्री कैसे जाएगी? तो विकास काम को रोकना चाहते हैं, हम विकास काम करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से उनसे कहा है, आदिवासियों के हकों की लड़ाई लड़ने वालों को आदिवासियों की मदद करनी चाहिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट का पट्टा वहाँ के आदिवासियों को मिलना चाहिए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, वहाँ आंगनबाड़ी, स्कूल और पीडीएस की दुकानें खुलनी चाहिए, वहाँ इस प्रकार के हेल्थ के सेंटर खुलने चाहिए, ग्रामीण विकास के लिए पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए अगर सरकार काम कर रही है, मैं ऐसा समझता हूँ कि लोगों को उसमें विश्वास होना चाहिए। इस मामले को लेकर लगातार जो आंदोलन भूमिका बनती जा रही है और सरकार या वहां के नुमाइंदे वहां के ट्रैवल लोगों को, वहां के लोगों को विश्वास में नहीं लिया। हमने भी बहुत सारे कैंप खोले, बहुत सारी चौकियां खोली, पूरे बस्तर में अलग अलग स्थानों में कैंप खुले, राजनांदगांव में कैंप खुले, पर कहीं इतना ऐसा विरोध नहीं हुआ। यदि आम जनता वहां के लोगों को, ट्रैवल को विश्वास में लेकर काम करते हैं तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती। तो चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। एडिटर प्रकाश चंद्र खूता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नितिन बंसाली जी हैं, कांग्रेस नेता के, अमित चिमनानी जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले खूता जी, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, कहीं ये दरख्ते भरोसे की डोर तो नहीं जो अब कमजोर होती जा रही है और यही वजह है कि इस तरह का विरोध पहले सिलगेर और अब नहाड़ी में देखने को मिला? और अगर ऐसा है तो फिर किस तरह से प्रयास करने की दरकार है? देखिए, सीधी सी बात है, इस तरह का आंदोलन सिलगेर में देख लिया, दबाव की राजनीति किस तरह से कारगर रहती है। ग्रामीण चाहते थे, माओवादी चाहते थे, बाकी लोग चाहते थे उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई हो और पुलिस ने फायरिंग कर दी, 3 ग्रामीणों की मौत हुई, भगदड़ में एक महिला की भी मौत हो गई। 4 मौत होने के बाद नेशनल मीडिया में ये बातें छा गई किस तरह से चीजें हो रहे हैं। सरकार को डिफेंसिव होना पड़ा क्योंकि मामला आदिवासी की है। यही सवाल मैं पूछना चाहूंगा नितिन भंसाली जी से। नितिन जी, आदिवासी आप ही के हैं, 12 सीट एक कम था वो भी आप ही के पास आ गया, पूरे बस्तर के 12 आपके पास है, फिर इस तरह का आंदोलन क्यों? नितिन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
चलिए मैं बाबूलाल जी से एक चीज सवाल पूछ लेता हूँ, समझना चाहता हूँ। बाबूलाल जी, जिस तरह से माओवादियों के बारे में कहा जा रहा है कि वो तीसरी पीढ़ी आ गई है, जो लोग खड़े हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस कह रही है ये माओवादियों के प्रेशर पे, माओवादियों के कहने पे आए हैं, क्या माओवादी इतनी क्षमता विकसित करते आदिवासियों में कि वो सरकार के खिलाफ आंदोलन करने ग्रामीण इकट्ठे हो पाएंगे? बाबूलाल जी, देखिए, आपने तीसरी पीढ़ी नक्सलियों की बात की है, तो पीढ़ी कितनी भी गुजर जाए, यदि विचारधारा एक होती है तो निश्चित रूप से जो है उसी विचारधारा पर काम होता है, चाहे कोई भी पीढ़ी हो। सवाल जहां तक तो ग्रामीण क्षेत्र का, जो डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि विश्वास में नहीं लिया, मुझे ये बात अपील करती है कि विश्वास में लेकर अगर बातचीत करके कोई चीज की जाए तो निश्चित रूप से रास्ता बनता है। लेकिन उसमें एक बात और भी है कि आप नहाड़ी में कैंप बनाना चाहते हैं जिसमें दो नक्सलियों का निवास है, जिस गांव में निवास है उनका बसेरा है, अपने बसेरे के पास में कैसे कैंप कोई लगने देगा पुलिस का, ये भी एक पक्ष है। निश्चित रूप से इस पूरे आंदोलन के पीछे मुझे भी लगता है कि नक्सलियों का हाथ है, और नक्सली इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उनका वो क्षेत्र है और उनके कैंप होने से उनको बहुत सारी परेशानियां हुई। लेकिन इसमें एक ये भी संदेश जाता है कि नक्सली उस क्षेत्र का विकास नहीं चाहते, वो स्पष्ट उनको करना चाहिए कि हम यहां पर क्यों नक्सली ये कैंप नहीं लगने देना चाहते हैं, कि हम विकास रोकना चाहते हैं या अगर विकास चाहते हैं तो क्यों नहीं लगने देना चाहते कैंप। तो ये दोनों प्रश्न का जवाब जो है नक्सलियों को देना चाहिए कि आप अगर विकास चाहते हैं तो विकास करने दीजिए, ये सरकार विकास करना चाहती है तो आप उसको विकास करने दीजिए। आज तक ठीक है, ठीक है। नितिन जी, आपने पहले हेड़मा के गांव पुवर्ती के पास कैंप खोलने की कोशिश की, आप देवा और बिनोर उनके गांव के पास खोलने की, ये भी सुकमा से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, दंतेवाड़ा का आखिरी छोर है। सीधा मांद में हमले का कारण क्या, पहली बात। दूसरी बात है, ये कहां चूक हो रही है कि सिलगेर में एक महीने का आंदोलन हुआ, अब नहाड़ी में हो रही है? देखिए, इस आंदोलन के पीछे कौन है और कौन लोग ये चाह रहे हैं कि बस्तर में विकास न पहुंचे, बस्तर में सड़क न पहुंचे, बस्तर में स्कूल न पहुंचे, बस्तर में अस्पताल न पहुंचे, बस्तर में आंगनबाड़ियां न पहुंचे, बस्तर में राशन की दुकानें न पहुंचे, बस्तर में सड़क न बने? ये वही लोग हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं, और जो हमारे आदिवासी भोले भाले भाई जो हैं वो दिन में इनके भड़कावे में विरोध करते हैं और रात में कहते हैं कि आप इस कैंप को खोलिए। देखिए, कैंप खुलने से वहां पर जो शासन की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो आज इन 15 वर्षों में बस्तर के उस छोर तक नहीं पहुंच पाई है, वहां तक सरकार उसको पहुंचाने के लिए तत्पर है, और उसी दिशा में हम विकास की ओर काम कर रहे हैं। और इसमें यदि कैंप खोलने का यदि विरोध किया जा रहा है तो मुझे साफ तौर पर ये नजर आता है, जैसा कि आपने खुद ही कहा कि देवा और विनोद का जो 10-10 लाख रुपए के जिनके ऊपर इनाम है, उनके उनका क्षेत्र आता है उस गांव के पास, इसलिए वहां पर उस कैंप का सवाल फिर वही खड़ा होता है ना कि क्या स्थानीय लोगों पर आपका भरोसा इतना कमजोर हो गया है, जिस बात की ओर डॉक्टर रमन सिंह भी इशारा कर रहे हैं कि आप अपने स्थानीय लोगों पर भरोसा नहीं कर पा रखे हैं और उन्हें कोई भी बहकाले जा रहा है इस तरह के आंदोलन से। अब भरोसे की यदि हम बात करेंगे तो उनको तो ये बात बोलने का ही अधिकार नहीं है। 15 वर्ष शासन किया बस्तर में, कितनी सीटें पाई 12 में से, क्या विश्वास किया उनके ऊपर? विश्वास बस्तर की जनता ने कांग्रेस के ऊपर किया है, और कांग्रेस ने चुनाव से पहले ये संकल्प लिया था कि नक्सलवाद को खत्म करेंगे, चाहे कैंप खोलने पड़े, चाहे बोली और गोली दोनों की बात है। जिस भी स्तर पर बस्तर में छोर में बैठे उस आदिवासी को हमें मजबूत बनाना है, हमें मजबूर आदिवासियों को मजबूत बनाना है, जो इन 15 वर्षों में मजबूत थे उन्हें हमें मजबूती प्रदान करनी है, बस्तर के छोर तक के हमें विकास को पहुंचाना है, उसके लिए ये कैंप खोले जा रहे हैं। और जिस प्रकार आदिवासियों को बरगलाकर ये आंदोलन करवाए जा रहे हैं, ये निंदनीय है। हम पीछे नहीं हटेंगे, कैंप खुलेंगे और बस्तर का विकास होगा, ये मैं वादा करता हूं। अमित जी, जो बातें कही जा रही है कांग्रेस द्वारा, बीजेपी के 15 साल में इसका मतलब वहां कुछ भी नहीं हुआ था, पहली सवाल। दूसरी बात है, जिस तरह से आदिवासी एकत्रित हो रहे हैं, आदिवासी इकट्ठे हो गए आंदोलन को, अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं, इसको कैसे देखती है बीजेपी?
माननीय होता जी, आपको दीपेश जी, नितिन जी, बाबूलाल जी नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल रही और जिस रोड से आज कांग्रेस के नेता बस्तर के इलाकों में, दंतेवाड़ा में, सुदूर वनांचल इलाकों में जाते हैं, उस रोड में जो सड़कें बनी हैं वो भाजपा की सरकार में बनी। एजुकेशन हब बना, नेट की कनेक्टिविटी आई, बहुत सारी और बातें हैं, लेकिन आज चर्चा एक संवेदनशील विषय पर है। मैं सुन रहा था भाई नितिन भंसाली जी को, ऐसा लग रहा था किसी पिक्चर में कोई डायलॉग बोल रहा है। यहाँ पर कौन लोग हैं वो ये सत्ता पूछ रही है, वो कौन लोग हैं जो विकास नहीं चाहते? और ये तो आपको पता करना है कि वो कौन लोग हैं। ये हो क्या रहा है? एक बार सिलगेर की घटना हो रही है, ग्रामीण को एक तरफ आप बेचारा बताते हैं, आदिवासियों को आप अपना बताते हैं, लेकिन वही आदिवासी जो है वो भूखे प्यासे सड़कों पर हैं, वो सरकार के खिलाफ, सरकार की नीति के खिलाफ, कैंप लगाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो या तो सरकार समझ नहीं पा रही है कि प्रॉब्लम कहां पर है, या तो सरकार खुद इस चीज में इन्वॉल्व होके केवल एक तमाशा देख रही है। ये स्पष्ट कांग्रेस को करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं चलेगा। ग्रामीण आंदोलन पर है और आप बता नहीं पा रहे, उल्टा आप पूछ रहे हैं कि इसके पीछे कौन है। अगर मेरा, मेरा सवाल है तो आपके क्या नहीं? नितिन जी ठीक है, अभी जी मेरा सवाल यही है, आदिवासी अपने नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे हैं कि क्या माओवादी प्रेरित कर रहे हैं, या जो सरकार के विरोधी और भी ताकतें हैं या सरकार से जो नाखुश है वो इस आंदोलन के पीछे है? आपको क्या लग रहा है अमित जी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा माननीय होता जी आपने। देखिए, आदिवासी ग्रामीण खुद ये करें इसकी संभावना कम लग रही है और उनके पीछे कुछ ताकतें हैं और कोई बात ऐसी है जो अभी तक सामने स्पष्ट रूप से नहीं आई, इसकी संभावना ज्यादा लग रही है। इसीलिए तो सरकार को बड़ी बड़ी बातें करने की जगह ये विषय को कैसे वो समझें और इस समस्या को कैसे सुलझाएं उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये विषय इतना सरल नहीं है जितना दिख रहा है। नहीं तो फिर इसको लेकर बाबूलाल जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूँ, होता सर मैं आपके पास भी लौटूंगा, लेकिन एक चीज ये समझनी होगी कि एक तरफ लगातार सरकार आदिवासियों के हित के काम कर रही है, लगातार सरकार की तरफ से विकास के काम किए जा रहे हैं, उसके बाद अगर आदिवासी किसी के बहकावे में आकर सरकार के खिलाफ इतने बड़े बड़े आंदोलन शुरू कर दें, तब फिर समझना होगा कि आखिर कमी कहाँ है, लूपहोल कहाँ है, कहाँ मजबूती की अब दरकार है। बाबूलाल सर लगता है आवाज बाबूलाल सर तक पहुंच नहीं पा रही है। वो तो सर आपसे भी यही सवाल है कि जब इतना सब कुछ हो रहा है, सरकार विकास के दावे कर रखी है, वादे हो रखे हैं, विकास को तफुआ दिखाई दे रहा है, आदिवासियों के हितों में लगातार फैसले हो रखे हैं, उसके बाद अगर आदिवासी बहक कर इस तरह से बड़े आंदोलन सरकार के खिलाफ कर रखे हैं, तब फिर कहां कमी है, कहां कमजोरी है? होता सर लगता है आवाज पहुंच नहीं पा रही है। नितिन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितिन जी फिर एक सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है, पुलिस लगातार कह रही है कि नक्सलियों के विरोध में इस तरह से अब बहकावे में आकर और ग्रामीण आदिवासी उनके साथ मिलकर आंदोलन कर रहे हैं, तब फिर सवाल ये खड़ा होता है कि सीआरपीएफ ने तो बहुत अच्छे प्रोग्राम चलाए हैं, सिविक एक्शन प्रोग्राम्स थे, क्या वो सिर्फ दिखावा थे? उनके दम पर क्या हम आदिवासियों के हितैषी नहीं हो पाए? वहाँ की स्थानीय पुलिस जो है हमारे डीआरजी के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, स्थानीय पुलिस के जवान हैं, आदिवासियों का दिल जीतने का काम कर रहे हैं, दवाइयाँ अन्य आवश्यक सामग्रियां उन्हें पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, खेत में काम करने वाले एक आदिवासी भाई का जो कि निलवाया गांव का था, हड़मा नाम था उसको खेत में खेती किसानी का काम करते हुए सांप ने काटा था, जहरीले सांप ने, उसको डीआरजी के ही हमारे जवानों ने वहां से, स्वास्थ्य सुविधाएं आसपास नहीं थी तो एम्बुलेंस को बुलवा कर, रास्ते एम्बुलेंस निकलने लायक नहीं थे तो रास्ते बनाकर उसे अस्पताल पहुंचाया, क्योंकि वहां पर कैंप था सुरक्षा बल का। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि
हम कहीं पर ऐसा विकास के लिए ही हम वहाँ पर ये काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ पर अस्पताल, स्कूल, शिक्षा, कॉलेज, आंगनबाड़ियाँ, राशन की दुकानें ग्रामीणों को, ग्रामीणों तक, आदिवासी भाइयों तक पहुँचे। और इसका विरोध कौन कर रहे हैं, ये तो साफ नजर आ रहा है। या तो ये बताएं कि किस चीज का विरोध है इस कैंप को खोलने का। अभी भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी चिमलानी जी कह रहे थे कि कांग्रेस को समझना होगा, इसमें समझने की कोई बात ही नहीं है। स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि कौन विरोध कर रहे हैं, और यदि इन विरोध करने वालों को जो लोग बरगला रहे हैं वो लोग कौन है। और यदि भाजपा ऐसी बात करती तो मैं ये सोचूंगा कि सिलगेर में जो दो दो जांच कमेटी बनी थी, सरकार की तरफ से बनाई गई थी, एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाई गई थी, उसमें स्पष्ट नहीं हुआ क्या कि सिलगेर में क्या हुआ था? जब नहाड़ी को लेकर एक सवाल ये फिर से ही खड़ा हो गया क्वेश्चन मार्क लगाकर। कोरोना हुआ था सिलेगर के आंदोलन में, और अभी भी कोरोना हमारे बीच में गया नहीं है। ये इस तरीके के आंदोलन कोई व्यक्ति यदि कुछ लोग, मैं तो खुले तौर पर कहूंगा कि नक्सलियों ने इन गांवों के लोगों को, हमारे भोले भाले आदिवासियों को हथियार बनाकर इनका उपयोग कर रहे हैं। उपयोग कर रखे हैं। तब होता जी सवाल यहाँ पर यही है, चूंकि थोड़ा सा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो गई थी, सवाल फिर से वही दोहराता हूँ कि अगर इस तरह से इतना सब होने के बाद भी आदिवासी छिटक रखे गए तो उसका कारण क्या हो सकता है? लगता है हुता जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बबुलाल शर्मा सर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तब फिर सवाल यही है कि लगातार सरकार आदिवासियों के हित में काम कर रही है, लगातार आदिवासी से जुड़े हुए मसलों पर काम हो रहा है, विकास की बात कही जा रही है, उसके बाद भी अगर किसी के बहकावे में आकर किसी के बरगलाने पर आदिवासी छिटक रहे हैं तो फिर उसका बड़ा कारण क्या हो सकता है? देखिए, जो आपके आसपास जो रहते हैं वो विश्वसनीय हो जाते हैं, ये एक मेथड है जीवन का। आपसे आपके आसपास में रोज रोजमर्रा में आपके साथ रहने वाले लोग, वो नक्सली वहां रहते हैं और हमेशा उनके संपर्क में रहते हैं, और शासन के जो लोग हैं या पार्टी के जो लोग हैं वो उतने ज्यादा संपर्क में नहीं रह पाते, एक चीज। दूसरी चीज ये है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि 12 के 12 विधायक वहां पर कांग्रेस के पास में हैं और उन जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों से मिलते होंगे, तो आखिर ये प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है 12 विधायकों का उन लोगों के ऊपर में, जनता के ऊपर में? नक्सलियों का प्रभाव ज्यादा क्यों पड़ रहा है या दबाव ज्यादा है, क्या है कारण, क्या है? ये कारण निकल के सामने आना चाहिए। और जनप्रतिनिधियों का या तो संपर्क कम है या उनके दैनिक संपर्क नहीं है, कुछ तो भी कारण इसका है जिसकी वजह से वो नक्सलियों के प्रभाव में आ रहे हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, ये बार बार जो है ये बातें सामने आ रही हैं। तो विकास नहीं हो रहा है, इसलिए ही इन नक्सलियों ने जो है अपना आंदोलन खड़ा किया था उस क्षेत्र के लिए। अब विकास करने के लिए संकल्पित है सरकार, तो क्यों नहीं हो करने दे रहे हैं, ये एक समझ के बात है। और 12 विधायक सब इन्हीं के हैं, सांसद भी इनका है, तो उसके बाद भी क्यों, इसलिए ये समझने की बात है। जवाब ले लेते हैं नितिन जी, एक बड़ा सवाल बाबूलाल शर्मा साहब ने उठाया है, इसका भी जवाब चाहेंगे कि अब नक्सली ज्यादा हितैषी हो गए हैं, उनका संपर्क ज्यादा है, क्या हमारे जनप्रतिनिधि इस तरह से लगातार आम लोगों से मेल मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ चुनाव के टाइम ही याद आती है? मैं तो बल्कि न्यूज 18 के इस प्लेटफॉर्म से उन आदिवासी भाइयों को जो टीवी आपकी ये डिबेट देख रहे हो उनसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संपर्क करिए। इस प्रकार के आंदोलन, इस बहकावे में आकर इस प्रकार के आंदोलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग आपको भड़का रहे हैं वो उस क्षेत्र में विकास विरोधी हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से आइए, मिलिए, उनके समक्ष बात रखिए। आपको यदि कोई समस्या है तो उस समस्या को पार्टी स्तर पर जनप्रतिनिधियों से भी अपील कर दीजिए ना हमारे माध्यम से कि आप भी जाइए समस्या को देख लीजिए सर, ताकि ये समस्या इतनी बड़ी ना हो। होता सर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर, चूंकि तकनीकी परेशानी थी। सवाल मेरा यही है कि अगर आदिवासी लगातार छिटक रहे हैं तो फिर उनको वापस क्या जनप्रतिनिधियों को अपने पाले में लाने के लिए सरकार के जनहितैषी प्रोग्राम्स को बताने के लिए काम करना होगा? माओवादी इलाकों में अगर लोगों का दिल जीतना है तो आपको पॉलिटिकल एक्टिविटीज को उस इलाके में बढ़ानी होगी, ना कि पुलिस की हस्तक्षेप को। अगर राजनीतिक रूप से लोग वहां पे सक्रिय होंगे
जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका निभाएंगे। ये बातें अगर सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाई जा सकती थी तो इस तरह के सिलगेर या नहाड़ी नहीं होते। वो प्रक्रिया जब तक शुरू नहीं होगा शायद इस तरह की दिक्कतें होते रहेंगे। जी अमित जी, एक सवाल ये भी है कि छत्तीसगढ़ में अगर कहीं छोटा सा भी कोई हादसा हो जाता है, कहीं कोई घटना हो जाती है, तो विपक्ष के नाते आपकी भी एक कमेटी बन जाती है और वो कमेटी जाती है, वहां पर काम करती है, समस्या का समाधान करती है, रिपोर्ट पार्टी कार्यालय में दी जाती है। सिलगेर हो गया, अब नहाड़ी इतना बड़ा मामला है, क्या इसको लेकर बीजेपी विपक्ष के नाते कोई बड़ा काम नहीं करेगी, कोई कमेटी नहीं बनेगी, वो जाकर जांच नहीं करेगी कि सच्चाई क्या है, हो क्या रहा है? आपने प्रश्न पूछा दीपेश जी, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसमें राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। विपक्ष का तो एक प्रतिनिधि मंडल वहां जाना मतलब भी स्पष्ट है कि अगर कहीं कोई हादसे होते हैं, कोई घटना होती है, उस पर अगर बीजेपी कमेटी बनाती है तो वो राजनीति के लिहाज से, मैं अपनी बात पूरी कर रहा था, मुझे लगता है कुछ मिस इंटरप्रेट हो गया है। मैं ये कह रहा था कि पिछले बार जो हमने कमेटी बनाई थी वो हम मदद के हिसाब से ही बना रहे थे कि हम जनता से, वहां के आदिवासियों से बात करें, वो क्या कहना चाहते हैं। ऐसा कुछ तो नहीं है वो सरकार को नहीं कह पा रहे हैं, हमें कह दें, लेकिन हमें वहां जाने नहीं दिया गया। तो मैं निवेदन करता हूं सरकार के प्रतिनिधियों से कि इतनी ज्यादा लुका छुपी का खेल न खेलें। आपको नहीं पता पड़ रही है समस्या, विपक्षी दल जाना चाहता है तो जाने दीजिए, और हमने पहले भी जिम्मेवारी दिखाई थी, आगे भी हम जिम्मेवारी दिखाएंगे। दो तीन बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो दावा कांग्रेस की सरकार करती है कि हमने बहुत सारा विकास ढाई साल में किया, उसकी हवा निकल गई है। अगर विकास हुआ रहता तो वहां के आदिवासी नक्सलियों की बात नहीं मानते, आपकी बात मानते। दूसरा, एक बड़ा जनाधार वहां कांग्रेस पार्टी को मिला, 12 की 12 सीटें, सांसद वहां के दीपक बैज जी हैं। तो इतना बड़ा जब जनाधार आपको एक विश्वास से जनता ने दिया, तो वही जनता आज आपकी बात क्यों नहीं मान रही है 2.5 साल के बाद। इससे साफ है कि जनता इनसे नाराज है, इनकी बात को विश्वास नहीं कर पा रही है, और बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस नाराजगी को बढ़ाने वाले कौन है, और उस नाराजगी को बढ़ाने वाले अगर कोई अपने हैं तो फिर उन पर भी सवाल खड़े होने चाहिए। यही वो बार बार कह रहे हैं, नितिन जी भी इस बात को बार बार कहते हुए नजर आए। चूंकि खैर समय का अभाव है, आप सभी हमारे साथ चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब हुता सर, बाबूलाल शर्मा सर, नितिन बंसाली जी और अमित चिमनानी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ और पूछेंगे सवाल कि आखिर प्रदेश में चल क्या रहा है। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।